हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, कागज़ दिखने में तो बेहद ही सस्ती चीज़ है, पर देखा जाए तो इसके समान महंगी चीज़ भी कोई नहीं है। कागज़ हमारे बहुत सारी ऐसी डेली मर्रा की चीज़ों में यूज किया जाता है जो कि हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी होती है, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, नोटबुक्स, पैकिंग बैग्स, यहाँ तक कि हमारी जेब में रखे हुए पैसे भी कागज़ से ही बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार यह कागज़ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार कागज़ बनाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज किया जाता है और कागज़ कैसे बनाया जाता है। कागज़ बनाने के लिए लकड़ी का और पानी का यूज किया जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा कागज़ बनाया जाता है। कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की टहनियों को यूज किया जाता है जिसमें ज़्यादा रेशे होते हैं, जैसे कि पाइन, फर, यूकलिप्टस आदि, और इनकी टहनियों को काटकर पहले फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उसके बाद इनकी छाल को वहाँ पर अलग कर लिया जाता है और एक मशीन में वुडन के चिप्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद इसको एक कन्वेंट बेल्ट में गुजरते हुए एक हाईटेज टैंक में लेकर और एसिटिक सेलिकोस में उबाला जाता है और इसके उबल जाने के बाद लिनिंग और वुडर फ्लाई को अलग अलग कर लिया जाता है। एसिटिक ग्लूकोस को बहुत देर उबालने के बाद इसमें से एसिटिक ग्लूकोस साफ होने के बाद फाइबर निकलकर सामने आता है, पर अभी ये इतना मजबूत नहीं होता है कि हम इससे कागज़ बना सके। इसकी डेंसिटी अभी कमज़ोर होती है और इसके लिए क्लोरीन फ्री ब्लीच इसमें डाला जाता है और ऑक्सीजन परऑक्साइड को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स कर दिया जाता है। अब इसकी एक लुगदी बनकर हमारे सामने तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 1 किलो पेपर बनाने के लिए 100 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है और बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट में से होकर, रोलिंग बोर्ड्स में से होकर कागज़ बनाया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है और कागज़ बनकर तैयार होता है। इसके लिए लुगदी को पानी में से, बहुत सारे कन्वेल बेल्ट में से होते रोलर्स में से निकाला जाता है, और अगर कलरफुल कागज़ बनाना हो तो इसमें कलर मिक्स कर दिया जाता है और धीरे धीरे यह बहुत सारे रोलर्स में से होता हुआ कागज़ बनकर सामने आता है। इसको हम आपको एक डेमो के जरिए समझाते हैं कि इसमें एक हेडबॉक्स लगा होता है और इसके नीचे एक सेक्शन ब्लेड लगी होती है जो फोर्स के जरिए गर्म चैम्बर्स में लुगदी को भेजती है और उसके बाद गर्म कूलर में इसे रोलर में डाला जाता है और फिर हमारे सामने निकल के आते हैं बड़े बड़े पेपर्स के रोल। अब इन पेपर्स को छोटे छोटे रोल्स में चेंज कर दिया जाता है और इन छोटे छोटे रोल्स को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह तैयार होता है कागज़। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।